नागपुर के लोग मोबाइल ऐप और अपने शहर में खुली नई शाखा में जाकर आसान, सुविधाजनक एवं स्मार्ट तरीके से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। यूनिटी बैंक सावधि जमा पर 9.5% प्रतिवर्ष और जमा खातों पर 7.5% प्रतिवर्ष तक ब्याज देता है। यह जानकारी यूनिटी बैंक के MD और CEO इंद्रजीत कुमत्रा ने दी। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड यूनिटी बैंक एक नए जमाने के डिजिटल फर्स्ट बैंक ने सेंट्रल एवेन्यू रोड पर नई शाखा का शुभारंभ कर संतरों के शहर नागपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यूनिटी बैंक के प्रवेश से नागपुर में व्यवसाय के बढ़ते अवसरों का फायदा मिलेगा। इससे ग्राहकों को जमा राशि पर आकर्षक ब्याज दरें, MSME को बिजनेस लोन और महत्वपूर्ण नागपुर के लोगों को एक ज़्यादा स्मार्ट तेज यूनिटी बैंक के खास आकर्षण आकर्षक ब्याज दरें जमा खातों पर 7.5% प्रतिवर्ष तक अवधि जमा और सुविधाजनक बैंक के साथ बैंकिंग करने का मौका मिलेगा। यूनिटी बैंक की भविष्य में नागपुर में कई शाखाएं खोलने की योजना बनाई जा रही है। इस नई शाखा का उद्घाटन विधायक कृष्णा खोपड़े के हाथों किया गया। इस अवसर पर यूनिटी बैंक के प्रबंधक भी उपस्थित थे। हम यूनिटी बैंक से बहुत खुश हैं कि हम आज नागपुर आए हैं। नागपुर, जैसे अभी MLA साहब को मैंने कहा, इंडिया का सेंटर है, इंडिया का हार्ट है। यहाँ 0 माइल स्टार्ट होता है। यहाँ तो हम पहुँच के बहुत खुश हुए हैं कि हम नागपुर में आए और यहाँ से स्टार्ट किया है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये तो शुरू है, अब यहाँ पे भी हम बहुत एक्सपेंड करना चाहते हैं। यूनिटी बैंक के इंडिया में 182 ब्रांचेस हैं एट द मोमेंट, जिसमें 80 से ऊपर ब्रांचेस महाराष्ट्र में हैं। और महाराष्ट्र के जो ज़्यादा ब्रांचेस हैं बम्बई की तरफ थे, कोल्हापुर, नासिक, पूना। अब हम चाहते हैं कि नागपुर की तरफ हम आएँ और पूरे प्यार से यहाँ पे सेवा करें, सर्विस करें और फले फूले आपके साथ। ये ऐसे हुआ, बाई चांस हुआ, जो हमने बैंक टेक ओवर किया था उसकी प्रेजेंस नागपुर में नहीं थी। तो जल्दी से जल्दी, अभी हम जैसे हमने बताया सिर्फ 2 साल हमारे बैंक को हुए हैं, पहले मौके पे ही हम नागपुर आ गए और शुरू के ब्रांचेस हमने नागपुर पे खोलना ये तय किया है। यूनिटी बैंक जो सीनियर सिटीज़न है उनका बहुत आदर करती है, रिस्पेक्ट करती है। जो इंडिया के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है 9.5% फिक्स डिपॉजिट पे हम सीनियर सिटीजन्स को देना चाहते हैं। जो हमारे यूथ हैं SME MSME उनको हम लोन्स देंगे और इसी ब्रांच में हमारे 4 अफसर लोन के बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जितनी हमारी बहनें और माता हैं उनको विमेन पर्ल अकाउंट करके हम उनको खास सर्विसेज उसमें दें, जिसमें हेल्थ का पैकेज हो और ऐसे क्यूरेटेड सर्विसेज हो जो विमेन सिस्टर्स मदर्स के काम आए, वो हम ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे आके स्प्रेड करना चाहते हैं। सो बेसिकली हर समाज का जो सेगमेंट है उनके लिए खास हमारे पास प्रोडक्ट होगा और हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। यूनिटी बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9.50 प्रतिवर्ष की आकर्षक दर पर अवधि जमा की पेशकश करता है, जबकि रिटेल निवेशक 9.00% प्रतिवर्ष की दर से कमाई कर सकते हैं। यूनिटी बैंक 5 लाख रुपए से ज्यादा की जमा राशि पर 7.5% और 1 लाख रुपए अधिक तथा 5 लाख रुपए तक के जमा शेष पर 7.25% ब्याज देता है। इसके अलावा चुनिंदा शाखाओं में प्रतिस्पर्धा दरों पर लॉकर्स भी उपलब्ध है। इस दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े द्वारा बैंक के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। नागपुर शहरामध्ये पहिल्यांदाच युनिटी बँकेचं आमच्या CA रोडवर त्याच्या आज विधिवत रूपाने उद्घाटन झालं। युनिटी बँक म्हटलं आणि इंद्रजीत सिंगनी सगळी माहिती आपल्याला दिली आहे। त्यांच्या देशामध्ये 180 शाखा आहे, महाराष्ट्रामध्ये 80 शाखा आहे आणि नागपुरामध्ये त्यांनी आता सुरुवात केली आहे आणि म्हणून ही काळाची गरज आहे। अशा प्रकारची बँके, अशा प्रकारचे फायनान्स कंपन्या जे गोरगरिबासाठी मदत करू शकते, गोरगरिबाला तातडीने सहकार्य करून त्यांना लोन देऊ शकते, ज्याप्रमाणे इंद्रजीतजींनी सांगितलं का आता आमची ही नागपुरात सुरुवात आहे,
या सुरुवातीच्या माध्यमातून आम्ही अनेक लोकाले याचं कसं बेनिफिट जास्तीत जास्त देता येईल, वरिष्ठाले कसं बेनिफिट जास्त देता येईल ही संपूर्ण माहिती त्यांनी या ठिकाणी दिली आहे. आमची सगळ्याची अपेक्षा आहे का नागपूर शहरात आता बँकिंगचं हब झालं आहे. नागपूर शहर म्हटलं आणि धीरे धीरे आता ह्या बँकेचा हब झालेला आहे आणि या बँकेच्या माध्यमातून आम जो छोटे मोठे जो उद्योगधंदे राहतात त्यांना कसं आपण मदत करू शकतो, त्यांना कमीत कमी व्याजामध्ये कसं लोन देऊन सहकार्य करू शकतो हे निश्चित स्वरूपात या युनिटी बँकेच्या माध्यमातून होईल. आजचा हा कार्यक्रम गडकरी साहेबाच्या शुभहस्ते होणार होता परंतु काही कारणास्तव या ठिकाणी येऊ शकले नाही, परंतु एक चांगला कार्यक्रम बँकेच्या सगळ्या संचालकांनी मिळून या ठिकाणी घेतला आणि याची सुरुवात आता त्यांनी केली आहे. आमची अपेक्षा आहे का नागपूर शहराच्या चारी दिशेने आणखीन ही शाखा वाढावी ही आमची अपेक्षा आहे आणि लोकांना त्याची मदत. युनिटी बँक के एमडी और सीईओ इंद्रजीत कामोत्राने कहा की नागपूर तक अपना विस्तार करना युनिटी बँक के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह शहर व्यवसाय के लिए एक विकसित हो रहा केंद्र है. इस अवसर को कृषि उपज कपड़ा उद्योग और एक बड़ा लॉजिस्टिक एवं व्यापार केंद्र होने के लिए जाना जाता है. यहाँ एमएसएमई एचएनआई भी अच्छी खासी तादाद में है. यूनिटी बैंक इस उत्साही परिवेश में आकर नागपुर के उद्यमियों तथा निवासियों को विशिष्ट रूप से तैयार वित्तीय समाधान देना चाहती है. कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट.